दोस्तों, क्या हर महीने सैलरी से पीएफ कटता है? अगर हाँ तो सैलरी से तो पीएफ कट गया, पर क्या कंपनी ने आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे? तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज आगे इस वीडियो में मैं आपको पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के 4 एकदम आसान तरीके बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने पीएफ अकाउंट का पूरा बैलेंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने का जो आखिरी तरीका मैं बताऊंगा, इस चौथे तरीके की सहायता से आप बिना पीएफ अकाउंट नंबर या फिर यूएन नंबर की सहायता से बिना इंटरनेट के भी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तरीका नंबर 1, यूजिंग उमंग प्लेटफॉर्म। आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है उमंग, और सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आए लिंक उमंग पर क्लिक करना है और उमंग पोर्टल को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर लॉगिन / रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से उमंग ऐप पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक लेडी नमस्कार करते हुए दिखाई देगी और आस्क उमंग ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर क्विक लिंक्स के नीचे ईपीएफओ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन पर आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से आपको सबसे पहले ऑप्शन व्यू पासबुक और बैलेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां आपसे आपका यूएन नंबर मांगा जाएगा। यहां पर अपना यूएन नंबर एंटर करना है और नीचे सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर करना है और दोबारा से सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके पीएफ अकाउंट का पूरा बैलेंस आपको दिखाया जाएगा। आपके पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर बैलेंस, एम्प्लॉई बैलेंस और पेंशन बैलेंस कितना है, और अगर आपको डिटेल में चेक करना है कि पीएफ आपके अकाउंट में कब कब जमा किया गया है और कितना जमा किया गया है या फिर कितना और कब कब निकाला गया है, तो नीचे सी मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आप देखेंगे आपको डिपॉजिट और विड्रॉल की पूरी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। अगर आपको पीएफ पासबुक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तरीका नंबर 2, यूजिंग ईपीएफ पासबुक पोर्टल। उसके लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है ईपीएफओ, और सर्च रिजल्ट में ईपीएफओ वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना है और ईपीएफओ वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें से आपको ई पासबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आपको कुछ इस तरह से लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर अपने यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप देखेंगे डैशबोर्ड पर ही आपके पीएफ अकाउंट का बैलेंस शो होगा। डैशबोर्ड पर ही आपको आपका एम्प्लॉयर बैलेंस कितना है और एम्प्लॉई बैलेंस कितना है वो दिखाया जाएगा, पर यहाँ पर पेंशन बैलेंस को शो नहीं किया जाता है। पेंशन के साथ अपना टोटल पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको ऊपर मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर पासबुक को चुनना है। अगले पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपकी पूरी की पूरी पासबुक खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉयर बैलेंस, एम्प्लॉई बैलेंस और आपका पेंशन बैलेंस कितना है पूरा का पूरा दिखाया जाएगा, यानी कि आप डिटेल में अपने पीएफ अकाउंट का फुल बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से भी आप अपने पीएफ पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर डाउनलोड इन पीडीएफ पर क्लिक करना है और पीएफ पासबुक की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, पीएफ बैलेंस चेक थ्रू एसएमएस। जी हां दोस्तों, आप केवल एक एसएमएस के जरिए भी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करना है ईपीएफओएचओ, उसके बाद स्पेस देकर अपने यूएन नंबर को टाइप करना है और इसे 7738299899 पर भेज देना है। जैसे ही आप एसएमएस भेजेंगे, कुछ ही समय बाद आपके फोन पर ईपीएफओ द्वारा एक मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें आपके केवाईसी स्टेटस के साथ साथ आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है और आपका लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जमा किया गया है वो दिखाई देगा। चलिए जानते हैं चौथा तरीका क्या है। दोस्तों, चौथा तरीका सबसे आसान तरीका है। इस तरीके में सिंपली आपको ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नंबर 9966044225 पर मिस कॉल करनी है।
जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करते हैं, आपका कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और कुछ ही समय बाद आपके पास ईपीएफओ द्वारा एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस की पूरी जानकारी होगी और आपका लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जमा किया गया है वो भी बताया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, एसएमएस और मिस कॉल के जरिए पीएफ बैलेंस को चेक करने के लिए आपकी कोई ना कोई एक केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है, यानी कि आपका आधार, पैन और बैंक केवाईसी में कोई भी एक केवाईसी का कंप्लीट होना जरूरी है। साथ में आपके पीएफ अकाउंट में आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर का रजिस्टर होना भी जरूरी है, उसके बाद ही आप मिस कॉल और एसएमएस के जरिए अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।